सेल थ्योरी। इन 1838 मिथियास स्केलेडन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म्स द टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर, हम मिथियास स्केलेडन याद रखेंगे कि वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। हम याद रखते ना जी बी, तो जी बी से कुछ ऐसा एक बनाइए कि एम बी और जी बी होता है, तो जी बी मिथियास स्केलेडन ही होंगे। थियोडोर श्वान, 1839, अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये अपने आप याद हो जाएगा, अगर आपको मिथियास स्केलेडन याद हो गया जर्मन बॉटनिस्ट हैं तो हमारे थियोडोर श्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। सेल वॉल की प्रेजेंस प्लांट सेल्स का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वैन प्रपोज द हाइपोथिसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। स्केलेडन एंड स्वैन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। मतलब कि इन दोनों ने बनाई तो थ्योरी, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही थी कि न्यू सेल्स कहाँ से आए। रुडोल्फ वर्च्यू, 1855, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इन्होंने इस थ्योरी को वो कर दिया, उसका जो ड्रॉबैक था उसको ठीक कर दिया। उन्होंने बोला कि जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आ रहे हैं। ओमनी सेलुलर सेलुला, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्केलेडन एंड स्वान टू गिव अ सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन अनियन पील और ह्यूमन चीक। अनियन पील क्या हो गया, एक प्लांट सेल, और ह्यूमन चीक सेल क्या हो गया, एक एनिमल सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर्स। द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक सेल हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, उनकी डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, उसके बाहर कोई स्ट्रक्चर नहीं है सेल वॉल जैसा। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोला जाए, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब कि उसके आसपास अच्छी खासी मेम्ब्रेन है। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल डीएनए। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर एज सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स सच लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। Within the cell, ribosomes are not found only in the cytoplasm but also within the cell organelles, chloroplasts in plants and mitochondria and on rough ER. Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division. Cells differ greatly in size, shape, activities. For example, mycoplasmas, the smallest cells, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. The large isolated single cell is the egg of the ostrich. Among multicellular organisms, human blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, or even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. Prokaryotic cells. The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, and PPLO, pleuronemono-like organisms. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. They may vary greatly in shape and size. The four basic shapes of bacteria are bacillus rod-shaped, rod-like, coccus, spherical, vibrio comma-shaped and spiral. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. The genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. In addition to the genomic media, DNA,
a single chromosome circular DNA. Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. The plasmid DNA confers certain unique phenotype characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosomes. Prokaryotics have something unique in their inclusions. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is a characteristic of eukaryotes. They are essentially infoldings of cell membrane. Thank you.